ओला कैब्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ओला कैब्स की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक बंदा रात को टैक्सी से कहीं जा रहा था, लेकिन रात होने की वजह से टैक्सी वाला उससे किराया ज़्यादा मांगने लगा और साथ ही साथ बदतमीजी भी करने लगा। लेकिन इस बंदे ने टैक्सी ड्राइवर को ज़्यादा किराया देने से साफ मना कर दिया और उसकी टैक्सी से उतरकर उस रात पैदल ही सफ़र किया। इस पूरे घटना को इस बंदे ने पॉजिटिव वे में लिया और उसी दिन से इसने ओला कैब शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत छोटे पैमाने से की, लेकिन देखते ही देखते इस बंदे ने आज खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और ये बंदा कोई और नहीं, खुद ओला कैब के फाउंडर भविष अग्रवाल थे। अगर ये बंदा चाहता तो उस टैक्सी ड्राइवर की बात मानकर ज़्यादा किराया दे सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने खुद की ओला कैब सर्विस शुरू की, दिन रात मेहनत की और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस इस बंदे ने यही काम किया, चुपचाप मेहनत करता गया और रिजल्ट आज पूरी दुनिया देख रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।